नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे। पहली खबर, सीएम नीतीश ने लिए 7 बड़े फैसले, बिहार में होगा लागू। जी हां, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश ने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह के फैसले लिए हैं, जिसे राज्य में बहुत जल्द लागू करने की तैयारी शुरू हो रही है। जिन 7 बड़े फैसले लिए गए, उनमें सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में नए साल में शहरी निकायों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरा, नए निकायों के बनने से राज्य में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। अगला है, बिहार में 40,000 से अधिक आबादी वाली नगर पंचायतें अब उच्चकृत होकर नगर पालिका परिषद बनेगी। वहीं चौथा है कि 12,000 से अधिक आबादी वाले तमाम क्षेत्रों को अब नगर पंचायत बनाने की तैयारी है, इससे इन इलाकों का विकास तेजी से होगा। अगला है, शहरी निकाय गठन के लिए अब कार्यशील जनसंख्या की 50% से अधिक आबादी खेतों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वहीं अगला है, राज्य में तमाम अनुमंडल मुख्यालय जहां अभी तक विकास नहीं हुआ है, उसे अब नगर पंचायत बनाने की तैयारी है। और अंत में, नीतीश सरकार ने शहरीकरण की रफ्तार बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, बिहार में बहुत जल्द ही इसे लागू भी किया जाएगा। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई शुरू, मचा हड़कंप। जी हां, बिहार में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच शुरू हो गई है, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि जो शिक्षक फर्जी तरीकों से नौकरी कर रहे थे, अब उनकी नौकरी खत्म होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों में से 1,10,000 से संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच की जा रही है। बिहार उच्च विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों को शैक्षणिक और प्रशिक्षक प्रमाण पत्र निगरानी के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। वहीं निगरानी विभाग का कहना है कि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने से इसमें देर हो रही है। एलपीजी सिलेंडर पर बढ़े 103 रुपये, मोदी सरकार ने 203 रुपये कम की सब्सिडी, अब ग्राहकों को मिल रहे हैं सिर्फ 89 रुपये। जी हां, कांग्रेस की सरकार में महंगाई को लेकर अक्सर सवाल उठ रहे थे, वहीं सिलसिला अब नरेंद्र मोदी की सरकार में भी जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि अचानक से एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि मोदी सरकार ग्राहकों की जेब काफी ढीली कर रही है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसीलिए लोगों को इसका सीधा असर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको हम आसान भाषा में समझाएं तो पिछले 3 साल में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 203 रुपये घट गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 3 साल में एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी राशि में 203 रुपये घट गई है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो ग्राहकों के खाते में सिर्फ 89 रुपये सब्सिडी के तौर पर भेजे गए, जो कि काफी कम है, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 692 रुपये थी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि दिसंबर 2020 में सिलेंडर की कीमत 792 रुपये होने के बावजूद बड़ी हुई सब्सिडी नहीं मिली है। कई उपभोक्ताओं ने इस महीने बड़ी हुई कीमत पर सिलेंडर बुक कराया, लेकिन ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं पहुंची। बिहार में उठी लव जिहाद कानून बनाने की मांग, पटना में सड़कों पर उतरे लोग। जी हां, बिहार में भी अब लव जिहाद कानून बनाने के लिए प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में कल राजधानी पटना स्थित कारगिल चौक पर सैकड़ों की संख्या में लोग लव जिहाद मांग को लेकर खूब नारेबाजी की प्रदर्शन कर रहे। लोगों का कहना है कि बिहार में भी लव जिहाद का कानून लागू होना चाहिए। लोग हाथ में लाल झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि इसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लव जिहाद कानून का समर्थन किया था। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध भी किया था कि वह यह समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक समरसता के विषय हैं। बिहार में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप, इन 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में शीतलहर का कहर अब शुरू हो गया है। दिन भर कनकनी वाली हवा चल रही है और हर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में गया में अधिकतम 14 और पटना में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा
सेवा चली है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दाखिल खारिज कराने के लिए लगेगा कैंप, सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया निर्देश। जी हाँ, जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल अधिकारियों को कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल म्यूटेशन के मामले की समय से निष्पादन के लिए DCLR और CO के काम का भी मूल्यांकन शुरू हुआ तो पता चला कि लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई है। पटना जिले के सदर अंचल में ऑनलाइन दाखिल खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित है, जबकि विक्रम में सबसे में पटना सदर में 21% आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि विक्रम में मात्र 6% आवेदन का निपटारा नहीं हो पाया है। पटना जिले में अब तक कुल 284,529 ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसमें से 148,666 आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया और 96,668 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है, और इसके साथ ही 39,195 आवेदन यानी 13.78% मामले लंबित है। अनिश्चितकालीन धरने के दौरान पप्पू यादव ने किसानों के पाप पकारे, कहा अन्नदाताओं की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अनिश्चितकालीन धरने के दौरान किसानों के पाप पकारे। किसानों के पाप धोने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है, हम यह लड़ाई आखिरी दम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। आपको बता दें कि जाप किसानों के समर्थन में 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। रविवार धरने का 5वां दिन था, इस दौरान पार्टी की नेत्री रानी चौबे ने किसानों की आरती उतारी। बिहार के नए DGP बने SK सिंघल, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हां, बिहार के नए DGP SK सिंघल को बनाया गया, जिसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे के बाद SK सिंघल को DGP पद की जिम्मेवारी दी गई थी, तब से लेकर आज तक सिंघल ही DGP का काम देख रहे थे, जिसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। बिहार का नया DGP कौन होगा, इसको लेकर कई नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है और अधिसूचना जारी कर दी है कि SK सिंघल ही बिहार के नए DGP होंगे। चुनावी नतीजों के 41 दिन बाद बैठेंगे तेजस्वी तेज प्रताप, जीते 75 समेत 144 RJD उम्मीदवारों से करेंगे बात, लालू भी रहेंगे मुद्दा। जी हां, विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी से कुछ कदम दूर रह जाने की कसक की राजद अब समीक्षा करेगा। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आए थे, अब 41 दिन बाद सोमवार 21 दिसंबर को दिन के 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु राजद की हारी हुई सीटें और हारे हुए नेता रहेंगे। कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिए जाने की भी समीक्षा होगी। साथ ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के हाथों क्या संदेश भिजवाया है, इस पर भी चर्चा होगी। इस बैठक से पहले ही पार्टी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्षों समेत भीतरघात करने वाले कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। राजद ने इस बैठक में सभी विधायकों को 2020 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों, सभी जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रधान महासचिव को बुलाया है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव खास तौर से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी अध्यक्षता करेंगे। राज्य में किसानों की खबर है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय राज्य का पहला संकर धान बीज लाएगा। जी हां, बिहार के धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। धान के संकर बीज के लिए अब उन्हें निजी कंपनियों के हाथों ठगना नहीं पड़ेगा। समय 2 से 3 साल तक लग सकता है, लेकिन धान का संकर बीज अपना होगा। बिहार में उत्पादित यह पहला धान का संकर बीज होगा, लिहाजा धान उत्पादन के क्षेत्र में यह बड़ी क्रांति होगी। कृषि विभाग ने पहली बार राज्य में संकर बीज उत्पादन का कार्यक्रम तय किया। सरकार की योजना तो पायलट के रूप में शुरू होगी ही, लेकिन तब तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय राज का पहला धान का संकर बीज जारी कर चुका होगा। वैज्ञानिक 3 साल से इस प्रक्रिया में लगे हैं। धान के संकर बीज उत्पादन का स्टेशन ट्रायल पूरा हो चुका है, अगले साल इसका मल्टी लोकेशन ट्रायल होगा। उसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर नए किस्म को किसानों के लिए जारी कर दिया जाएगा।
अब कोसी की धारा बदलेगी नीतीश सरकार, पुरातात्विक अवशेष बचाने के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। जी हां, जिससे कोसी नदी ने अपनी धारा बदलकर बिहार में कभी भी बाढ़ त्रासदी ला दी थी, अब उसी कोसी धारा सरकार बदलेगी। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार अब कोसी नदी की धारा को बदलने की तैयारी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान किया है। दरअसल कोसी नदी की धारा पुरातात्विक अवशेषों को बचाने के लिए बदली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भागलपुर के दौरे पर थे। उन्होंने भागलपुर के बिहपुर बिहारी डीजे में पुरातात्विक अवशेषों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां 2500 साल पुराने अवशेषों को देखने के बाद ऐलान किया कि यहां मौजूद अवशेषों का पूरी तरह से अध्ययन कराया जाएगा। बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई, 21 जिलों के अधिकारियों का रोका वेतन। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अपनी कार जुगाड़ियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुफ्त दवा वितरण पहल यानी कि फ्री ड्रग सर्विस इंस्टीट्यूट के घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण विभाग के अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 21 जिलों के अधिकारियों के वेतन पर पाबंदी लगा दी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 21 जिलों के साथ ही अनुमंडल स्तर के औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भंडार पाल फार्मासिस्ट के साथ ही जिला मूल्यांकन और अनुश्रवण पदाधिकारियों का वेतन मानदेय रोक दिया है। बरौनी खाद कारखाना में जल्द शुरू होगा उत्पादन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां, बिहार के बेगूसराय में निर्माणधीन हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बरौनी में नवंबर 2021 खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। निर्माण का काम तीव्र गति से चल रहा है और करीब 80% काम पूरा हो चुका है। यहां प्रत्येक 2200 MPD अमोनिया और 3850 MTPD नीम कटोरिया यूरिया का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। रविवार को बेगूसराय केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने खाद कारखाना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण के विभिन्न पहलुओं और इससे जुड़े संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 599 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 247,244 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,565 कोरोना के एक्टिव मरीज, वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 253 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 1347 तक पहुँच गया है। और अंत की बड़ी खबर, 5 सालों से बिहार के 30,000 विद्यार्थियों को डिग्रियों का है इंतजार। जी हां, बिहार में जो विद्यार्थी परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें डिग्री के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर के 30,307 विद्यार्थियों को अब तक डिग्रियां नहीं मिली है। इसमें ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्हें 5 साल से डिग्री मिलने का इंतजार है। पुरानी डिग्रियों के लंबित मामलों के बीच नए विद्यार्थियों के भी डिग्री के लिए लगातार आवेदन हो रहे हैं। डिग्रियों से जुड़े लंबित मामलों को राजभवन सचिवालय ने खुद संज्ञान लिया है। राजभवन ने हर सप्ताह डिग्रियों के लंबित मामलों की प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का आदेश कुल सचिवों को दिया। आइए जानते हैं कहां कितनी डिग्री लंबित है। तो पटना विश्वविद्यालय में 53, मगध विश्वविद्यालय में 4617, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 1495, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 11716, मजरूहुल हक विश्वविद्यालय में 4543, बिहार विश्वविद्यालय में 4906, LNM मिथिला विश्वविद्यालय में, कामेश्वर सिंह दरभंगा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में 1112, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1044 और अंत में BN मंडल विश्वविद्यालय में 714 लंबित है। आज के लिए आपका सवाल, हमारा देश भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।